चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं। नाम है अर्जुन, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं और अर्जुन की ऑल इंडिया रैंक 207 है और अर्जुन को एनआईटी कैलिकट अलॉट हुआ। तो अर्जुन सबसे पहले बहुत सारी बधाइयां आपको एनआईटी कैलिकट और 207 रैंक के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर स्पेशली मैं आपको, प्रतीक सर को एंड पूरी होल इंप्यूटेंस फैमिली को थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स सभी ने सपोर्ट किया। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो अर्जुन, ये जो आपने रैंक अचीव की है, ये आपने एक तो ऑनलाइन रहते हुए पढ़ाई करके की हुई है और फाइनल ईयर के साथ की है। एक आप अगर देखो तो आज एक सिनारियो या लोगों की सोच में चेंज आ गया। पहले ऐसा लगता था कि कैसे घर पर रह के पढ़ सकते हैं, कैसे रैंक लाएंगे, जब तक ड्रॉप नहीं लेंगे 15-20 महीने नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा। पर अब ये सिनारियो चेंज हो गया है ना। अब एक चीज बताइए कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी, सबसे पहले तो आपने निमसेट के लिए कब सोचा, फिर उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया, आपकी पढ़ाई का रूटीन क्या था, अपनी सक्सेस जर्नी आप अपनी बहुत अच्छे से डिटेल में बताइए, और क्या चीज थी जो आपकी स्ट्रांग थी, क्या चीज थी वीकनेस, कैसे उस पे वर्क किया आपने। ओके सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रेजुएशन बीएससी में किया है, कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज विच इज एफिलिएटेड टू नागपुर यूनिवर्सिटी एंड आई लिव इन नागपुर महाराष्ट्र। सो सबसे पहले सेकेंड ईयर में मुझे पता चला था इसके बारे में, हिमसेट के बारे में। देन सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम में मैंने मतलब सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मतलब सिलेबस क्या है इसका, किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है एंड मोस्टली क्या पूछा जाता है और परसेंटेज कितना है, सिलेक्शन परसेंटेज एंड किस तरह के एनआईटीज मिलते हैं। देन आफ्टर दैट मैंने कोचिंग सर्च करना चालू किया। तो मतलब नागपुर महाराष्ट्र में तो अवेलेबल नहीं है निमसेट का उतना, क्योंकि एक रीजन ये भी कि सेंटर का भी प्रॉब्लम है कि एग्जाम सेंटर अवेलेबल नहीं रहते महाराष्ट्र में। देन आफ्टर दैट मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया तो सर आपका चैनल दिखा एंड देन उस टाइम पे ऑनलाइन मतलब इतना नहीं था, पेन ड्राइव कोर्स ज्यादा था। देन पेन ड्राइव कोर्स में मैंने कुछ सीनियर्स के देखे इंटरव्यूज, देन वहां पे भी लगा कि मतलब हो जाएगा, अगर आप हम भी करते अच्छे से प्रिपेयर तो हमसे भी हो जाएगा। देन आफ्टर दैट 2020 में मे मंथ के एंड में मैंने आपके ऑफिस में कॉल किया था पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन करने के लिए, बट कोरोना के कारण डिलीवरी अवेलेबल नहीं थी। देन ऑनलाइन कोर्स कुछ दिन मतलब ट्रायल के लिए दिया कि इफ कंफर्टेबल होंगे तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कहा गया था। देन ऑनलाइन मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा एंड देन वहां से लेक्चर स्टार्ट हुए। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला लेक्चर हुआ था तो मतलब सर आपकी मतलब जो एनर्जी थी, जो पढ़ाने का तरीका था, वो मतलब काफी इंप्रेसिव था। देन ऐसा रहता ना कि 6 दिन बाद 7 दिन बाद की फिर मतलब अपने एवरेज धीरे स्लो पढ़ाएंगे ऐसा कुछ था मन, बट वैसा कुछ भी नहीं रहा। मतलब जो फर्स्ट दिन जो आपकी एनर्जी थी वो आखिरी दिन तक के मतलब सेम पेस था वो, एंड ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि बीच में गैप दे दे रहे हैं और बीच में हॉलीडेज वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो फिर पहले मई मंथ के एंड में स्टार्ट कर दिया था मैंने कोचिंग वगैरह एंड ऑल। तो जितना जल्दी स्टार्ट किया तो उतना बेनिफिट था मुझे, क्योंकि जो कोरोना की जो फर्स्ट जो बैच थी 2020 की, तो उनके पैरेलल ही चल रहे थे हम। देन जो उनको डिफिकल्टीज फेस हुई तो वो भी हमें पता चल रही थी, तो अक्टूबर मंथ तक के तो उनने क्या क्या फेस किया तो वो भी हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म हो जाता था। तो और कुछ प्रीवियस टॉपिक भी हम समय मिल जाता, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, कॉम्प्लेक्स नंबर था एंड कुछ 2-3 टॉपिक्स तो पहले हमने कवर कर लिया था, मतलब बाद में मतलब उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में जो पहले पहले सेशन कराया था। देन आफ्टर दैट दिसंबर तक के सब गया, एवरेजली गया, और टेस्ट तो मतलब ऐसा था कि हमें बोलना पड़ता था कि टेस्ट सर आज मत लो टेस्ट, ऐसा रहता था। मतलब रोज की डीपीटी TWPT, तो मतलब स्टडी मटेरियल भी अगर नहीं यूज कर रहा है कोई तो उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा वो। एंड उसके बाद फिर जनवरी मंथ, फिर फरवरी मंथ, यहाँ तक के हो गया, और प्रतीक सर ने तो हमारा दिसंबर तक के पूरा करा दिया था रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर के भी ऑलमोस्ट करा ही दिए थे, साथ में सी लैंग्वेज का भी कुछ करा दिया था। तो मतलब कभी हमने बुक रेफर ही नहीं की, कभी इसकी रीजनिंग की कभी बुक रेफर ही नहीं की, मतलब जो PDF प्रोवाइड किए थे उसी में से केवल पढ़ा। देन फरवरी के बाद से फिर जब डेट आती है और पता चलता है कि रायपुर कंडक्ट कर रहा है, तो मतलब थोड़ा सा मतलब था रिलीफ की, मतलब किस तरह का आएगा थोड़ा सा पता चल गया था कि एग्जाम अब जो कंडक्टिंग NITs है उनपे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह का लेवल आने वाला है एग्जाम का। तो मैंने फिर RD शर्मा ऑब्जेक्टिव कुछ भी मतलब छुआ ही नहीं मैंने उसको एंड बेसिक्स पे पूरा ध्यान दिया। देन जब एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा था तो लास्ट के जो 2-3 मंथ है तो उसमें तो पूरा डेडिकेटेड मैं टेस्ट सीरीज पे अच्छे से सॉल्व किया, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर एनालाइज किया एंड देन एक टेस्ट को बार बार दिया और एंड एंड में उसी का मतलब काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो मेनली मैं कहूंगा कि जो टेस्ट सीरीज है इम्पीटस की वो सबसे सबसे बेस्ट है एंड आपका पढ़ाने का तरीका प्रतीक सर का वो तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है उसका।
बट जो टेस्ट सीरीज के वजह से काफी ऐसे स्टूडेंट्स है जो केवल मतलब जनवरी में भी ज्वाइन किए, फरवरी में भी ज्वाइन किए, फिर भी उनका रिजल्ट काफी अच्छा है ओनली टेस्ट सीरीज के बल पे। तो टेस्ट सीरीज केवल ये नहीं है कि मतलब क्वेश्चन दे दे रहे हैं, उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे रहे, बस हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेस्ट सीरीज मतलब हम जैसे आज टेस्ट दे रहे हैं, उसके 2 दिन बाद में उसका प्रॉपर पूरा एनालिसिस, 2 वीडियो लेक्चर भी देंगे। तो जो क्लासेस से ज्वाइन भी नहीं है तो उसके लिए भी मतलब वो ट्रिक्स सीख सकता है आपकी, वो प्रॉपर वीडियोस फॉलो कर सकता है, तो उसका काफी ज्यादा बेनिफिशियल है वो। मतलब वो टेस्ट सीरीज है ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि ज्यादा थ्योरेटिकल, उसमें कंसेप्ट पूरे आपने क्लियर करके देते हैं। एंड उसके बाद में फिर होते गया, और जो लास्ट का 1 मंथ था तो उसमें जो मतलब पिछले 3-4 मंथ में जितनी मेहनत की थी उससे आधा मंथ तो लास्ट मंथ में किया था। लास्ट में रोज के 2 टेस्ट देना, फिर आपके डेढ़ डेढ़ घंटे के दो लेक्चर्स होते थे वो करना, 3 आवर्स, देन बाद में सेल्फ स्टडी को देना, फिर पूरा रिविजन करना, तो करते गए। एंड एंड में मतलब मैं एक तो सेंटर नहीं था महाराष्ट्र में, देन मैं भोपाल गया था एग्जाम देने, एंड वहां पे फिर एक दिन पहले ही गया था एंड फिर एग्जाम दिया, तो ऐसा मतलब लगा नहीं था कि मतलब बहुत अच्छा गया है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था क्योंकि मतलब प्रैक्टिस इतनी ज्यादा थी, मतलब सब कुछ बढ़िया था। एंड एंड में मतलब मैथमेटिक्स के मेरे 35 करेक्ट हो गए थे, 38 अटेम्प्ट किया था मैंने, 35 करेक्ट थे, तो मैथ्स तो मतलब पूरा उस पर कोई वो नहीं था, शक नहीं था कि रॉन्ग होगा। देन रीजनिंग में काफी कम टाइम मिल गया था मुझे, केवल 20 मिनट्स बचे थे, बट फिर भी मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उसमें से अप्रॉक्स 26 तो मेरे करेक्ट थे, एंड वैसे कंप्यूटर एंड इंग्लिश बन गया था। तो मेजर मेरा जो था फोकस था वो मैथमेटिक्स पे ही था, एंड वो उसी के बल पे जो सिलेक्शन हुआ है मेरा, मैथमेटिक्स से स्पीच हुआ है। एंड देन रिजल्ट आया, देन उसमें रीचेकिंग वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू हुआ था, बट एट द एंड अच्छा कॉलेज मिला, मतलब जो चाहिए था वो मिल गया सर। देखो अर्जुन, आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी है और सिंपल सी स्टोरी है, और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि इम्पिटस गुरुकुल के जब बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं कई बार मन में डाउट होता है, फिर कई बार लगता है ऐसा तो नहीं हफ्ते 10 दिन बाद क्लास कम हो जाएगी, लो पेस हो जाएगा, पर मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे टाइम आता जाता है वैसे वैसे क्लास की फ्रिक्वेंसी, उसका एफर्ट, जो अभी आपने टेस्ट सीरीज को लेके बोला, बिल्कुल जब मेरे पास कई बच्चों ने टेस्ट सीरीज इस बार बोला जब उन्होंने इंटरव्यू दिए कि सर इतना तो कई जगहों की कोर्सेज में नहीं होता जितना आपकी अकेली केवल टेस्ट सीरीज काफी है, तो इम्पिटस गुरुकुल का जो कोर्स है या जो टेस्ट सीरीज है या ऑनलाइन कोर्स है, वो मेरी पूरी कोशिश यही है कि जो बच्चे, क्योंकि देखो एक कई बार होता है कि आप जैसे आप फाइनल ईयर में थे, अब नहीं निकल पा रहे, मान लो आपको सोचना है कि भोपाल जाके पढ़ना है या कहीं और जाके, तो उसके लिए पहले आपको घर छोड़ना होगा, पर आप फाइनल के साथ ही तैयार करके रैंक दे दो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अर्जुन आपका काफी कुछ क्लियर था, आपने सेकंड ईयर से प्रॉपरली ज्वाइन भी कर लिया था, पढ़ाई भी करी, तो ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कभी कोई आपको प्रॉब्लम फेस हुई या आपके खुद के कोई स्ट्रगल्स जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम होती थी, या फाइनल ईयर के कोई मैनेजमेंट आपका दिक्कत हुआ? ऑनलाइन में सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमें लगता है कि वो कॉम्पिटिशन पता नहीं चलता है, ऐसा स्टार्टिंग में लगता है कि कॉम्पिटिशन क्या है। हम अगर ऑफलाइन रहते तो हमें पता चलता कि कौन क्या एक्चुअल में रेफर कर रहा है, वो क्या चल रहा है, बट स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, बट जैसे जैसे मतलब होते गया ऑनलाइन तो पता चला कि ऑनलाइन मतलब काफी कंफर्टेबल है। एक्चुअली टेस्ट सीरीज तो हो ही रही थी, टेस्ट सीरीज में पता ही चल रहा था कि मतलब क्या किस काम पर है। और दूसरी बात क्या होता है ऑफलाइन में जो मेजर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि दूसरे को देख के डर जाते कि ये बुक ये रेफर कर रहा है, और ऑनलाइन में जैसे हमको पता ही नहीं किसके साथ, हमारा खुद से कॉम्पिटिशन है, हमें खुद को इम्प्रूव करना है और खुद को आगे आना है। तो एग्जाम सेंटर पे भी जाते वक्त मेरे को उतना कुछ हो नहीं था कि मतलब मुझे पता ही नहीं था कि सब न्यू लोग थे, और किसी को मैंने देखा भी नहीं है ना किसी को जानता हूँ, तो बस मेरा एक ही एम था कि एग्जाम देना है, एग्जाम देके वापस आना है, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब ये क्या सोच रहा हूँ, इसका कैसा एग्जाम जाएगा, तो ऐसा कुछ मन में नहीं था। केवल ऑनलाइन के काफी बेनिफिट्स है, और दूसरा ये है कि जो आपका कोर्स प्रोवाइड करता है उसमें 2 बार लेक्चर्स देख सकते हैं, और कई बार कंसेप्ट नहीं समझ आया तो फिर से देख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है कि टेस्ट सीरीज का जो है, टेस्ट सीरीज में कैसा है कि अगर सब एक साथ अगर 1 आवर में दे रहे हैं या 2 आवर में एग्जाम दे रहे हैं, तो कई स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो बाद में देते हैं एग्जाम, तो उससे क्या है कि जैसे अभी मेरी रैंक आ रही है 100 आ रही है सपोज, देन बाद में कुछ लोग और देते तो शाम तक आते आते वो 80 तक चले जाते थे, तो इससे मोटिवेशन मिलता था कि नहीं मतलब और लोग हैं अपने पीछे, ऐसा नहीं कि एक ही बार जो है लॉक हो गई इतने चॉइसेस, तो वो काफी अच्छा है आपका सिस्टम जो टेस्ट सीरीज का सिस्टम है। दूसरा जो एग्जाम होते थे वो जो डैशबोर्ड और जो एग्जाम जब फाइनल एग्जाम देंगे, दोनों डैशबोर्ड मतलब सेम ही मिलेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। एक सर एक डिफरेंस था केवल वो टाइमिंग का था कि मतलब आपका 1 आवर 60 मिनट ऐसा समथिंग था, और वहाँ 120 मिनट डायरेक्ट ऐसा शो कर रहा था, बट उतना कुछ इशू नहीं हुआ उसका,
बाकी सब ऐसा लग रहा था इम्पीटस की मॉक दे रहे, ऐसा कुछ नहीं था। सो ऑनलाइन तो काफी मतलब बहुत बहुत अच्छा है, मतलब अगर कोई ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं करना चाहता है, कोई कंफर्टेबली घर बैठ के करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अर्जुन आपका अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा, आप क्या कहना चाहोगे, क्या एक्शन ले वो जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में है, और किस तरह से अपनी पढ़ाई को ध्यान दें? जूनियर्स के लिए सर ये मैसेज रहेगा कि जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं, तो वो अभी सबसे ज्यादा फोकस उनका होना चाहिए एक कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ले वो, क्योंकि अभी हमारे एनआईटीज में जो चल रहा है, मतलब हमारे टाइम काफी हमारे पास में, लेकिन आगे चल के 2 ईयर्स का हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। देन साथ में मैथमेटिक्स स्टार्ट कर सके, बेसिक आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव। देन सेकेंड ईयर में आपके साथ मतलब सेकेंड ईयर में आप खुद से पर्सनली कर सकते हैं। इफ सेकेंड ईयर में आपको एनालाइज करना है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो आपको कोचिंग लगाना, ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो ये इन्वेस्टमेंट बाद में काम आएंगी, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग देखेंगे या फिर अदर एग्जाम्स के कंपेरिजन में देखा जाए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। देन सेकेंड ईयर के एंड में सेकेंड ईयर होने के बाद थर्ड ईयर के बाद में, मतलब थर्ड ईयर में आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना, प्रॉपर टाइम टेबल करना चाहिए एंड उसके हिसाब से करना चाहिए। बट इन केस अगर कोई थोड़ा फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक है और उसको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा क्लासेस के लिए, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि वो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना ही चाहिए इम्पिटस की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जनवरी में करे या दिसंबर में कभी भी करे, बट टेस्ट सीरीज तो करनी चाहिए, क्योंकि 1000+ स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट देंगे, तो यहाँ पे आपका कैलिबर दिखेंगे, यहाँ पे आपके पोजीशन दिखेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो काफी इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। एंड उसके बाद में जैसे कि हमारे इसमें बोला था कि अगर 50 के अंदर आता है रैंक तो आपका 300 के अंदर अप्रोक्स आ ही जाएगा, एंड वैसा ही था मेरा कि स्टार्टिंग में 200 आ रहे थे, फिर 150 आ रहे थे, एंड 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 में जो मार्क्स हो रहे थे उसमें मेरे 50 के अंदर आ रहे थे पूरे रैंक, तो मतलब ये तो कंफर्म था कि एनआईटी में कंफर्म था ये, बट ये नहीं कंफर्म था कि ऊपर के टॉप 5 मिलेंगे कि नहीं, तो जो टॉप 5 का था वो हमें खुद एफर्ट करना था लास्ट के फाइनल एग्जाम में, तो वो वहां पे भी कई चीजें बनी कई चीजें बिगड़ी, तो वहां पे ऐसा भी था, नहीं रिग्रेट भी नहीं उस बात का कि मतलब नहीं हुए 2 क्वेश्चन, बट अगर ऐसा होता था कि 2 क्वेश्चन अगर और रॉन्ग हो जाते तो 2 एनआईटी और नीचे जाता मैं, सही तो बात ऐसा है, भी हो सकता था, तो जो मिला उसी चीज से सेटिस्फाइड हूँ मैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक दिन की मतलब एक दिन की प्रिपरेशन या फिर 1 मंथ की प्रिपरेशन में हो गया, ये कंटिन्यूस एक पेस में पूरी 1 साल की मेहनत से हुआ है, और जो मॉक्स हुए हैं लास्ट के 3 मंथ्स की जो कंटिन्यूसली है, वो ये उसका ही रिजल्ट है। एंड अगर कोई स्टूडेंट कोई जूनियर्स को सजेस्ट करूंगा एक और चीज की, अगर किसी कोई किसी के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, वो अगर मोबाइल फोन से दे रहा है, तो उस उन्हें कैसे क्या करना चाहिए कि लास्ट का जो 1 मंथ है या फिर लास्ट की जो कुछ टेस्ट सीरीज है 15 से 20, वो एटलीस्ट जो घर के पास के जो नेट कैफेज होते हैं वहां पे जाके उन्हें देना चाहिए लास्ट की। ज्यादा कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, बस 2 ओवर निकाल के, क्योंकि वहां पे जो माहौल रहेगा वो जो टेबल्स अरेंजमेंट वगैरह सब वो फाइनल एग्जाम में भी वैसे ही रहेगा, एंड जो मॉनिटर्स वगैरह रहेंगे, मॉनिटर्स और लैपटॉप में क्या डिफरेंस आता है कि मॉनिटर्स का जो पोजीशन थोड़ी सी हाई रहती है तो थोड़ी सी थोड़ी आई प्रॉब्लम करता है, हाँ तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि ऊपर देखो फिर नीचे। एंड दूसरा ये है कि जो मेजर जो ऑनलाइन एग्जाम में जो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम लगती है कि कितनी सीट्स मिलती होंगी पेपर सॉल्व करने के लिए, तो मेरा भोपाल सेंटर था तो वहाँ पे मतलब अनलिमिटेड थी, जितना चाहिए उतना मिले, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना। फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो स्टार्टिंग आप 4 पेजेस से केवल करना, 4 पेजेस फिर 2 पेजेस पे आना, क्योंकि कई सेंटर में 2 पेजेस से ज्यादा नहीं अलाउ करते, तो 2 पेजेस पे करना। एंड उसके बाद में जो आपके मतलब जैसा आपने कहा था वैसे ही फॉलो किया मैंने कि शूज पहन पहन के रहना, मास्क पहन के एग्जाम देना, मतलब वो सब चीजें एग्जाम एग्जाम टाइम पे जो चीजें आप पहन के जाने वाले हो, जो जिस तरह का आपका आउटफिट होगा उसी आउटफिट में आपको लास्ट के 1 मंथ या फिर हो सके तो पूरे साल भर वैसे ही एग्जाम देना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी सी भी मिस्टेक से आपका पूरा एग्जाम बिगड़ सकता है। एंड एक और जो इशू मेरे साथ हुआ था वो ये था कि हेल्थ का थोड़ा सा था कि 6 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, देन 2 दिन तो मैंने स्टडीज नहीं किया था क्योंकि रिकवरी पे पूरा ध्यान था, और अगर करता तो और तबियत खराब हो जाती, ऐसा था। देन फिर भी मैंने मतलब पूरा, ऐसा नहीं था कि 2 दिन के गैप से एग्जाम पूरा बिगड़े, बट मैंने कंसिस्टेंसी रखी और एंड एग्जाम के टाइम पे भी इतनी मतलब हैबिट बन गई थी कि इस जो 9 से 11 स्लॉट था वहां पे एग्जाम प्रॉपरली दे सकूं मैं। सो एक केवल डिसिप्लिन एंड एक पर्टिकुलर अगर आपके पास में प्लान है तो आपसे हो जाएगा, एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है, एंड प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है।
एंड वही टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अर्जुन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से गाइड किया अपने जूनियर्स को भी और काफी अच्छे से अपनी पूरा अपने सक्सेस जर्नी को बताया। तो अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अब आप ऐसी NIT कैलिकट में भी परफॉर्म करें और जो लोग मिसगाइड हैं या कभी कंफ्यूज होते हैं उनको गाइडेंस जरूर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रॉपर गाइडेंस करने वालों की कमी है। तो मैं चाहूंगा इम्पिटस गुरुकुल एक फैमिली है और वो हमेशा ये कोशिश करती है कि हर बच्चा एक चेन जैसा चले। और अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैंने प्लेसमेंट वाले बच्चों के इंटरव्यू सेशन डालने चालू किए हैं, आज से कुछ समय बाद जब आपका भी प्लेसमेंट होगा तो फिर से आप मेरे साथ जुड़ोगे। एंड वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर द सेशन।